गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के सानिध्य में प्रेस क्लब कुरुक्षेत्र ने बनाया दीपावली मिलन समारोह। दिवाली के त्यौहार की तैयारी पूरे देश में पूरे जोर से चल रही है। महाभारत युद्ध की भूमि कुरुक्षेत्र में इसी उत्सव को लेकर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के सानिध्य में प्रेस क्लब कुरुक्षेत्र ने दीपावली मिलन समारोह मनाया। कार्यक्रम में पहुंची मुख्य अतिथि अम्बाला मंडल की आयुक्त गीता भारती ने कहा कि दीपावली त्यौहार को लेकर बच्चों और बड़ों में काफ़ी उत्साह है। बच्चों और बड़ों में काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं और हमें बच्चों को, बड़े बुजुर्गों और अपने माता पिता का सम्मान करने की प्रेरणा देनी चाहिए। वशिष्ठ अतिथि उपायुक्त कुरुक्षेत्र राजेश जोगपाल ने कहा है कि दीपावली की रात सभी रातों में सबसे काली रात होती है, लेकिन सभी के मिलकर दीप जलाने से अंधेरा भाग जाता है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि रामायण से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि राम ने अपने पिता के एक वचन का राजपाट छोड़कर 14 वर्ष वनवास को चले गए थे। एसपी कुरुक्षेत्र वरुण सिंगला, एडीसी सोनू भट्ट, एसडीएम कपिल, निदेशक नागेंद्र शर्मा, 48 कोस तीर्थ निगरानी समिति के अध्यक्ष मदन मोहन जाबड़ा आदि ने कार्यक्रम में भाग लिया है। पहवा थानेसर, लाजवा, शाहबाद, बाबैन, इस्माइल, आपको बता दें इस्माइलबाद से भारी संख्या में पत्रकार साथी मौजूद रहे। हरियाणा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके बीच में आके स्वामी जी के सानिध्य में कि हमने ये गीता ज्ञान केंद्र में जो दिवाली मिलन का समारोह रखा। दिवाली पर अक्सर हम एक दूसरे को विश करते हैं, अक्सर हम गिफ्ट देते हैं, पटाखे जलाते हैं जो कि अब मना है, और रंगोली बनाते हैं, फूलों से खेलते हैं। हम कहीं ना कहीं दिवाली का जो महत्व है उसको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, याद नहीं रखते क्योंकि इतने बिजी और मिलन चलता रहता है। यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कहूँगा क्योंकि स्वामी जी बैठे हैं, तो मैं कुछ ज़्यादा खास कह नहीं सकता। स्वामी जी पूरे ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन दिवाली साल की सबसे अंधेरी रात होती है। आप सभी सबसे अंधेरी रात में दिवाली होती है और हम दिया जलाते हैं और एक दो तीन सभी लोग मिलकर दिया जलाते हैं, जो कि इस बात का सूचक है कि कितनी अंधेरी रात हो, अगर हम सब मिलके उस रात में अगर हम प्रकाश डालने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं है कि वो प्रकाश दिखेगा। मैंने कई बार इंटरनेट पे जो सेटेलाइट से दिवाली के दिन फोटो ली जाती है, इसमें इंडिया की फोटो होती है स्वामी जी, तो दिखता है ऊपर से जो आसमान से भी दिखता है, स्पेस से दिखता है कि पूरा जो भारत जलमग्न हो रहा है और पूरी जो बाकी जो पृथ्वी है उस पर कोई लाइट नहीं। इसका ये भी सूचक है कि हम कितने भी कठिन समय में हों, लेकिन हम प्रयास करें उस कठिन समय से निकलने का और हमारा सहयोग, हम एक दूसरे का सहयोग करें उस कठिन समय से निकलने का, तो हम उसमें जरूर कामयाब होंगे। दिवाली मेल जोल का प्रतीक है, सभी लोग मिलजुल के मनाते हैं और मैंने देखा है क्या अजित कर की दिवाली ने जो धर्म की जो सीमाएं हैं, जो बंधन है, हर लोग मैं देखता हूँ, क्रिश्चियंस भी, मुस्लिम्स भी, सभी धर्मों के लोग दिवाली को मनाते हैं। सेकुलर सा त्यौहार दिवाली बन गया है, मतलब तो एक जो भावना थी सबकी मिलजुल की वो इसमें है। तो मैं आप सभी के लिए जो दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ, दिवाली आप के लिए सेफ हो, आपके लिए हेल्दी हो, आपके लिए प्रॉस्पर्टी लाए, इसी के साथ थैंक यू। बेटा मन, आज के इस प्रेस क्लब द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी प्रेस क्लब के सभी साथियों को, जिन्होंने हमें ऐसा अवसर प्रदान किया कि हम सभी आपके बीच में आए, आप लोगों से मिलना हुआ और स्वामी जी का आशीर्वाद प्रदान करवाने में हमारे को इन्होंने बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे मेरा स्वामी जी से मिलना एक दो बार हुआ है, लेकिन आज इतना नज़दीक से और ऐसे माहौल में मिलना, ऐसे पर्व के समय में मिलना, ये अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मेरे साथी अधिकारीगण, प्रेस क्लब के और भी लोग, जयनारायण शर्मा जी बहुत पुराने, जब मैं यहाँ अम्बाला में, क्योंकि बहुत पहले सिटी मजिस्ट्रेट के पद पे तैनात रही, लगभग 20 साल पुरानी बात है, तो जब से ये लोग शर्मा जी बहुत पुराने मेरे से जुड़ाव है, तो आज हालांकि अम्बाला से होते हुए स्पेशली मैं मुझे इन्होंने, रामपाल जी ने बहुत बार ऐसा अवसर प्रदान करने की कोशिश की, परंतु समय की बात है,
आज एक बहुत ही अच्छा अवसर था और मुझे आपके सबके बीच आने का मौका मिला। मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ स्पेशली रामपाल जी को, जो एक बड़े भाई के तौर पे सदैव मेरे साथ खड़े रहते हैं। स्पेशली रक्षाबंधन पे ये मेरे पास मिलने आए, तो ऐसे लोगों के बीच आना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। आज जैसा कि अभी राजेश जी ने बताया और हम सभी जानते हैं, दीपावली एक बहुत ही पावन अवसर है, बहुत पावन और पुनीत अवसर है, जिसमें हम सभी न केवल घर के आसपास की साफ सफाई पर ध्यान देते हैं, अभी तो बहुत ही हर्ष उल्लास से इस त्योहार को मनाते हैं। हर एक व्यक्ति, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, इस उत्सव में बहुत ही अपने आप को उम्दा महसूस करता है, बहुत प्रफुल्लित महसूस करता है। हम सभी ने ऐसा देखा है। ऐसे अवसर पर हम अपने गुरुजनों को, अपने बड़ों को, उनका आशीर्वाद लें। मेरी इस समाज में इस समय जो माहौल है, हम देखते हैं कि हम अपने बड़ों को, अपने माता पिता को भूलते जा रहे हैं। तो मैं विशेष तौर पर इस मंच के माध्यम से, आपके कलम में इतनी ताकत है, ऐसी एक ऊर्जा पैदा कीजिए कि आज के नौजवान बच्चे माता पिता के महत्व को समझ